Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल रिसभ फिश कीपिंग, और फिश से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सही गाइडलाइंस के साथ मिलेगी। थैंक यू एवरीवन, वेलकम टू रिसभ फिश कीपिंग। आज का जो वीडियो होने वाला है वो एंजल फिश के ऊपर होने वाला है। तो ये मेरा 1.5 फीट वाला एंजल फिश का टैंक है। इसमें मैंने 10 प्लेटिनियम एंजल लाया था जिसका अनबॉक्सिंग भी किया था, जिसमें से 4 एंजल फिश को स्नेल ने मार दिया और मैंने जो 6 बच्चा उसे मैं लौटा दिया दुकानदार को। बस एक ही रखा हूँ इस 1.5 फीट के टैंक में, क्योंकि इसमें मैं कोई और दूसरा फिश ऐड करूँगा अभी कुछ दिनों में, जिसका अपडेट वीडियो में बना दूंगा। तो आज हम जानेंगे कि एंजल फिश के बारे में सारा जानकारी। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं एंजल फिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फिश होती है, क्योंकि इसे लोग रखना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ये जो मेरे पास है ये प्लेटिनियम एंजल है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। एंजल बहुत ही ज़्यादा प्रकार की आती है, जैसे कि मार्बल एंजल, ब्लैक टस्किडो एंजल, फिर ये प्लेटिनियम एंजल, और भी बहुत प्रकार की एंजल आती है। तो आप इसको केयर करना बहुत ही आसान है, पर इसके लिए आपको कुछ बातें जो है वो ध्यान देनी पड़ेगी। सबसे पहले कि आपको टैंक साइज, अब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि क्या मैं बाउल में एंजल फिश रख सकता हूँ। तो आप बाउल में एंजल फिश नहीं रख सकते हैं, आप कम से कम 1.5 फीट का तो ज़रूर टैंक लाइए और उसमें आप एंजल फिश रखिए। ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, 2-3 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। 2 फीट के टैंक में आप लगभग 4 से 5 एंजल फिश रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 फीट के अगर टैंक लाते हैं तब आप 10 से 12 एंजल फिश रख सकते हैं। तो एंजल फिश देखने में बहुत ही खूबसूरत फिश होती है। अब इसे फूड का इशू आता है, तो इसे क्या खिलाएं? तो आप इसे ब्लड वॉर्म दे सकते हैं, ट्यूफिक्स वॉर्म दे सकते हैं, ऑप्टिमम का फूड आता है सिकलेट फूड वो दे सकते हैं। तो ये सब खाएगी और बहुत ही आराम से रहेगी। पर एंजल फिश के कुछ टैंक मेट्स होती हैं, ज़्यादा इसकी टैंक मेट्स होते नहीं हैं, इसे ज़्यादा कोई भी फिश के साथ नहीं रख सकते हैं। जैसे कि आपको किन किन फिश के साथ नहीं रखनी चाहिए ये फिश, तो आपको गोल्ड फिश के साथ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये किस कैटेगरी में आती है, ये सेमी एग्रेसिव फिश होती है। ये एग्रेसिव भी नहीं होती है ना शांत मछली है, ये सेमी एग्रेसिव फिश है, मतलब कभी कभी अटैक कर देती है। तो जो भी बड़ी फिन वाली फिश है, जैसे फाइटर फिश या फिर गोल्ड फिश, इन सब के साथ ना रखें, क्योंकि उसके फिन को ये काटेगी, निप करेगी, जिससे आपकी गोल्ड फिश मर भी सकती है, अटैक भी कर सकती है एंजल फिश। तो हम इन सब बात का ध्यान देंगे। एंजल फिश के लिए आइडियल टेम्परेचर है 24 से 30 डिग्री, और आप ठंड के दिनों में ज़रूर हीटर लगा दें ताकि ये अच्छे से सर्वाइव कर सके। और इसे स्नेल और प्लेको के साथ नहीं रखना है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि स्नेल और प्लेको ने क्या किया था मेरे एंजल फिश के साथ, तो उसका वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वो देख ले सकते हैं। दूसरी बात है कि एंजल फिश कितने क्वांटिटी में रखनी चाहिए, तो लगभग आप 4 से 5 की क्वांटिटी में रखें। तो ये एंजल फिश अभी तो मेरे पास एक ही है, क्योंकि मैं लाऊंगा दूसरा एंजल फिश वो डालूंगा। तो एंजल फिश के टैंक मेट्स मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, वो आप देख सकते हैं कि एंजल फिश के साथ आपको कौन कौन सी फिश नहीं मतलब रखना है, वो टैंक मेट्स मैं बना दूंगा। और आपको कौन कौन सी फिश नहीं रखनी है वो मैं इस वीडियो में बताता हूँ। तो आप इसके साथ मॉली फिश नहीं रखें, क्योंकि मैंने मॉली के टैंक में डाला था तो मॉली इसके फिन को निप कर रही थी, तो आप मॉली के साथ ना रखें। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं मॉली के साथ रखने के लिए, पर मैंने एक्सपीरियंस किया है तो नहीं रखें। मैंने मॉली वाले टैंक में डाला था, ये मॉली का टैंक तो इसी टैंक में मैंने डाला था, तो इसमें मॉली निप कर रही थी तो मैंने हटा दिया, फिर रिमूव कर दिया एंजल फिश को। तो एंजल फिश को मॉली वाले टैंक में नहीं, तो आपको मॉली फिश के साथ इन एंजल फिश को नहीं रखनी है, स्नेल के साथ नहीं रखना है, गोल्ड फिश के साथ नहीं रखना है,
गुरामी के साथ आप द्वार गुरामी के साथ रख सकते हैं, बाकी कोई गुरामी के साथ नहीं रखिएगा। अब आप जाइंट गुरामी ऑस्कर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, पैरट के साथ भी नहीं रखना है। और एंजल फिश जो है वो प्लांटेड एक्वेरियम में बड़ी सुंदर दिखती है, क्योंकि ये एक्चुअली में प्लांटेड एक्वेरियम की ही है फिश। तो आप अगर लाइव प्लांटेड सेटअप करते हैं तो आप उसमें आप रख सकते हैं एंजल फिश, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छे से रहेगी। तो यही सब इन्फॉर्मेशन थी एंजल फिश के ऊपर, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो एंजल फिश के टैंक मेट्स के ऊपर आएगा, तो वो आप विजिट कर लीजिएगा। तो सिंपल सा है एंजल फिश को रखना, सबसे पहले आपको 1.5 फीट की टैंक लेना है, उसमें 2 से 3 एंजल आप रख सकते हैं, उस हिसाब से आप काउंट कर लीजिए। फिर इसके फूड का कोई इशू है नहीं, इसके फूड में ब्लड वॉर्म दे सकते हैं आप, ऑप्टिमम दे सकते हैं, तो ये सब आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर 24 से 30 के बीच आप रख सकते हैं। ठंड में जो है वो हीटर ज़रूर लगाएं, बहुत ही ज़रूरी होता है फिशेस के लिए। तो ये सब अगर आप केयर करेंगे तो आपकी एंजल फिश काफ़ी दिन तक सर्वाइव करेगी और बिना किसी दिक्कत के। तो आपको कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।